हेलो हेलो, वेलकम टू टेक्निकल रिजोल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम है विनय। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एसएससी सीजीएल के लिए कौन कौन सी बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं, किन बुक से आप स्टडी कर सकते हैं और बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एप्टीट्यूड की। तो एप्टीट्यूड के लिए आपने एक बुक का नाम बहुत सुना होगा, आर एस अग्रवाल। दोस्तों आर एस अग्रवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये बुक है आपके एसएससी सीजीएल के लिए है और काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के लिए भी है। लेकिन दोस्तों इसमें जो नंबर सिस्टम है वो बहुत अच्छा दिया है, नंबर सिस्टम आप इससे कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो टॉपिक्स है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिए हैं। और अगर हम देखा जाए एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक इतना अच्छा नहीं है। अगर आपको लेना है आर एस अग्रवाल का तो आप ले सकते हो ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बुक बहुत अच्छा दिया है आर एस अग्रवाल में। और फिर इसके बाद हम बात करें तो एक बुक आती है अरियन में आती है फास्ट ट्रैक मैथमेटिक्स, जो दोस्तों बहुत अच्छी बुक है। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप परचेस कर सकते हो। और दोस्तों ये बुक एसएससी और कई सारी एग्ज़ाम्स के लिए प्रीफर करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बुक्स है जिसमें कई सारी शॉर्ट ट्रिक्स भी दी गई है। तो दोस्तों अब हम आते हैं इंग्लिश पर। इंग्लिश के लिए आप प्रीफर कर सकते हैं एक नीतू सिंह की बुक आती है प्लिंथ टू पैरामाउंट, जो कि काफ़ी बढ़िया बुक है, जिसमें आपको एसएससी का अगर टीयर वन क्लियर करना है तो आप उस बुक को अगर पूरा पढ़ेंगे 4 से 5 बार तो आप 100% निकाल लेंगे। आप उसमें 50 में से करीब 45-46 नंबर आसानी से ला सकते हैं अगर आप उस बुक को बहुत अच्छी तरह से स्टडी करें। दोस्तों इस बुक्स में वोकैब और ग्रामर दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से दी गई है। इस बुक में अभी जो चेंजेस हुआ है तो उसमें नाम थोड़ा चेंज कर दिया गया है। पहले जो नाम था वो प्रिंथ टू पैरामाउंट था, लेकिन अभी आपको कैडी पब्लिकेशन के नाम से देखनी पड़ेगी ये बुक, जिसका वॉल्यूम फर्स्ट आता है। दोस्तों ये बुक इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इंग्लिश में अगर आप परचेस करेंगे तो आपको जो रूल्स लिखे हैं वो सारे इंग्लिश में मिलेंगे, जबकि हिंदी में अगर परचेस करेंगे तो रूल हिंदी में मिलेंगे, लेकिन बाकी जो मटेरियल है वो दोनों ही बुक में इंग्लिश में है। ठीक है, तो ये हुई हमारी इंग्लिश की बुक। दोस्तों अब हम आते हैं रीजनिंग पर। दोस्तों रीजनिंग अगर एसएससी का रीजनिंग देखा जाए तो रीजनिंग काफ़ी सिंपल आता है, जो कि आईबीपीएस वगैरह की जो एग्ज़ाम्स होती है, बैंक की एग्ज़ाम होती है, पीओ क्लर्क, इनसे काफ़ी इजी आता है। और दोस्तों इसके लिए मैं सिर्फ आपको एक बुक रेफ़र करूँगा, जो कि है अरिहन की बुक जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग टेस्ट, जो कि है आर के झा की। इस बुक्स में ईजी तरीके से दिया है, साथ में ये बुक बहुत बढ़िया है, टॉपिक्स है इसमें, और ये बुक आप प्रेफ़र कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों इस बुक में वो सारे टॉपिक्स दिए हैं जो एसएससी में पूछे जाते हैं। साथ में आप दूसरी एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर सकते हैं, जैसे कि आईबीपीएस की जो तैयारी है वो भी इस बुक से कर सकते हैं। दोस्तों इस बुक के अलावा आपको रीजनिंग के लिए दूसरी बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये काफ़ी अच्छी बुक। अगर आप एसएससी क्लियर करना चाहते हैं तो आपको आपका जो मॉक टेस्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से देने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों आप जितनी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपको टाइम जो है आपका कम होता जाएगा। जैसे कि दोस्तों अगर आप अभी अगर फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपसे 1 घंटे के अंदर पूरा पेपर सॉल्व नहीं हो पाएगा, अगर आपको पूरा आता भी है तो। दोस्तों सबसे मेन रहता है यहाँ पर टाइम। अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो आपके लिए एग्ज़ाम निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आपको मॉक टेस्ट कंटिन्यू देने पड़ेंगे। साथ में आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में देने पड़ेंगे। अगर हम बात करें ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन में आप अरिहंत या फिर किरण के मॉडल पेपर से सॉल्व कर सकते हैं। ऑफलाइन आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन भी करते हैं तो दोस्तों ऑनलाइन में भी आपको काफ़ी फ़ायदा है, क्योंकि एग्ज़ाम ऑनलाइन होना है तो आप अभी से उस तरह की तैयारी करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दोस्तों ऑफलाइन तो खैर आप कर लेंगे, लेकिन ऑनलाइन में आपको किसी वेबसाइट पर जाना होगा, जैसे कि testbook.in या फिर पिनेकल जैसी वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ आपको काफ़ी कम प्राइस में 200-300 रुपये में या 400 रुपये में आप 1 ईयर तक मॉक टेस्ट परचेस कर सकते हैं, जिसको आप ऑनलाइन दे सकते हैं और एकदम एग्ज़ाम जैसा उसमें आपको माहौल मिलेगा, जिसमें आपको पूरा रिपोर्ट मिलेगा कि आपने कितने रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करे, पूरी रिपोर्ट मिलती है उसमें, और आप पूरा एनालाइज कर पाएंगे कि आप कितना टाइम किस सब्जेक्ट में ले रहे हैं, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा गलतियाँ हो रही है, किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन छूटे, वो पूरा आपको रिपोर्ट भी देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों ऑनलाइन मॉक टेस्ट काफ़ी ईजी रहता है आपके लिए। और दोस्तों मैं आपको एक बार बात और बताना चाहूँगा कि दोस्तों एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें सारे क्वेश्चंस हर बार रिपीट होते हैं, लेकिन दोस्तों रिपीट ऐसे होते हैं कि क्वेश्चंस, जैसे मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन है तो उसमें वैल्यू सारी चेंज हो जाएगी लेकिन क्वेश्चन सेम ही रहता है,
तो इस तरह से देखा जाए तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि दोस्तों अगर क्वेश्चन रिपीट होते तो आप उनको सॉल्व करेंगे तो आप एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर पाएंगे और आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक बुक बताना चाहूँगा, किरण की बुक आती है, किरण में आप उस बुक को परचेस कीजिए। उस बुक में आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 1997 से लेकर अभी जो 2017 की एग्ज़ाम हुई है उतने सारे क्वेश्चंस। बुक का प्राइस करीब 700 रुपये है एमआरपी, लेकिन अगर आप इसे परचेस करेंगे तो ये आपको करीब 500 रुपये की मिल जाएगी। अगर दोस्तों पूरी बुक आप सॉल्व कर लेते हो तो आपके कम से कम 160 मार्क्स आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि ये दोस्तों बुक के सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो दोस्तों एक सब्जेक्ट हमारा बच गया है जीएस, जीएस मतलब जनरल स्टडीज़। दोस्तों जनरल स्टडीज़ के लिए आप लूसेंट की बुक परचेस कर सकते हैं, जो कि दोस्तों एक कॉमन बुक है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। लूसेंट में दो तरह की बुक्स आती है, एक तो आती है डिस्क्रिप्टिव और दूसरे एक ऑब्जेक्टिव टाइप बुक्स भी आती है। तो जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है उससे आप करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप सारे ऑब्जेक्टिव को एनालाइज कर पाएंगे और आप ये जान पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन है और उसमें किस तरह के ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, जो कि कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं। तो दोस्तों जीएस के लिए तो हो गया आपका मतलब जनरल, जो जनरल नॉलेज है वो तो आपका हो चुका है। अब जनरल साइंस भी आता है इसमें, तो जनरल साइंस के लिए भी आप कोई बढ़िया बुक ले सकते हो, जैसे कि अरिहंत वगैरह में। दोस्तों इसके अलावा जनरल साइंस में आता है आपका कम ही मार्क्स का आता है। अब बात करते हैं हम करंट अफेयर्स की, तो दोस्तों करंट अफेयर्स भी काफ़ी कम से कम 10 से 12 मार्क्स का आता है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वेटेज भी रखता है, क्योंकि इससे आपके कम से कम 20 से 25 मार्क्स जुड़े रहते हैं। तो दोस्तों जनरल सॉरी करंट अफेयर्स के लिए आप महेंद्र या फिर कोई दूसरे टाइप का जो करंट अफेयर्स की बुक्स आती है उसे आप परचेस कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स लास्ट 3 मंथ्स का रहता है जो एग्ज़ाम्स में आता है। तो दोस्तों एक आप 3 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम शेड्यूल लेट है तो हो सकता है कि आपको 6 मंथ का करंट अफेयर्स आ जाए। तो या फिर आप एक काम और भी कर सकते हैं कि आप न्यूज़पेपर रोज़ रीड कीजिए और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट्स लगते हैं वो आप एक नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो ये भी एक करंट अफेयर पढ़ने का एक तरीका हो सकता है। लेकिन अगर आप 3 मंथ जो आपकी जो एग्ज़ाम है उससे 3 मंथ पहले का अगर आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों ये था हमारा एसएससी सीजीएल क्लियर करने का जो नोट्स वगैरह है, बुक वगैरह है, वो सारा डेटा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इस तरह के वीडियोस बनाते रहता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।